उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक ऐसी झील जो हर किसी को एक डरावना मंजर दिखा सकती है। झील के आसपास बहुत अधिक संख्या में मानव कंकाल है, जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता कि इतनी संख्या में ये कंकाल आखिर आए कहाँ से। 1942 में पहली बार ये कंकाल एक फॉरेस्ट गार्ड ने देखे थे, और जिसके बाद इन कंकालों पर कई प्रकार के शोध किए गए और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर यहाँ मरने वाले लोग थे कौन। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये लोग किसी महामारी का शिकार हो गए और यहाँ इनकी मौत हो गई, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि ये कंकाल कश्मीर के एक जनरल और उसके सैनिकों के जो तिब्बत में हुए युद्ध से वापस लौट रहे थे और यहाँ तूफान में फंसकर शहीद हो गए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल है, लेकिन मेरे दोस्त जब और भी ज्यादा रिसर्च की गई तो नतीजे बहुत हैरान कर देने वाले थे। रिसर्च में सामने आया कि इन सभी कंकालों की मौत का समय अलग अलग था। इन सभी कंकालों में किसी में कोई संबंध नहीं पाया गया, इसमें किसी कंकाल में DNA एक नहीं मिला। आखिर अलग अलग समय में इतने लोगों की मौत कैसे हुई है केवल एक रहस्य बनकर रह गया। ऐसे ही और रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने को मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।